स्थानिक चांदा क्लब ग्राउंड के सामने न्यू इंग्लिश प्रांगण पर विदर्भ की एक दिवसीय दूसरी भव्य किसान हक परिषद मंगलवार को आयोजित की गई है। स्थानिक चांदा क्लब ग्राउंड के सामने न्यू इंग्लिश प्रांगण में विदर्भ की एक दिवसीय दूसरी भव्य किसान हक परिषद मंगलवार को आयोजित की गई है। सुबह 9 बजे से इस परिषद की शुरुआत होकर दिन भर विविध सत्र चलाए जाएंगे। निसर्ग और शासन के किसान विरोधी धोरण से खेती व्यवसाय नुकसान में आया है। महाराष्ट्र में लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वन्य प्राणी लाखों रुपए के खेती फसल का नुकसान कर रहे हैं। अब हम कितने दिन रोते बैठेंगे, अब हम रोएंगे नहीं तो लड़ेंगे, इन विचारों को लेकर यह भव्य किसान हक परिषद है। इस परिषद का उद्घाटन किसान नेता पूर्व सांसद राजू शेट्टी करेंगे। अध्यक्ष स्थान किसानों के कैबारी विधायक बच्चू कड़ू रहेंगे। साथ ही किसान नेता रघुनाथ पाटिल, रेगारी राजूरे, अमर हबीब, प्रकाश पोहरे, राजकुमार पटले, अजीत नवले, चंद्रकांत वानखेड़े, विजय सावंधिया, वामनराव चटप आदि किसान नेता उपस्थित रहेंगे। किसान हक परिषद के लिए न्यू इंग्लिश प्रांगण पर भव्य शामियाना बनाया गया है। सभा स्थल को बड़ी राजा विचार पीठ ऐसा नाम दिया गया है। सुबह 11 बजे उद्घाटन सत्र संपन्न होगा। दोपहर 12 बजे प्रथम सत्र शुरू होगा। प्रथम सत्र में वन्य प्राणियों से होने वाला फसलों का नुकसान और शासन ने करने के नियोजन, इस विषय पर चर्चा होगी। दूसरा सत्र 1 बजे शुरू होगा, जिसमें फसल बीमा योजना और शासकीय कायदे तथा किसानों के बच्चों को नौकरी और रोजगार, इस विषय पर चर्चा होगी। दोपहर 2 से 2:30 बजे तक भोजन अवकाश रहेगा। तीसरा सत्र दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा, इसमें किसानों के सर्वांगीण उन्नति का मार्ग, स्वाभिमान आयोग, इस विषय पर चर्चा होगी। आखिर 3:30 बजे समारोपीय सत्र होगा, इसमें योद्धा शेतकरी, इस विषय पर चर्चा होगी। जिसके बाद खुला सत्र होगा, जिसमें किसानों के प्रश्नों का निराकरण किया जाएगा। पिछले 1 महीने से विदर्भ के गांव-गांव जाकर किसानों में इस हक परिषद का प्रचार और प्रसार किया जा रहा है, जिस मुताबिक विदर्भ से करीब 10,000 किसान परिषद में उपस्थित रहेंगे, ऐसे आयोजकों को अपेक्षा है। इसके लिए नियोजन की जोरदार तैयारी शुरू होकर किसानों ने इस परिषद में उपस्थित रहे, ऐसा आह्वान विठल राव बतखल, बड़ी राज धुटे, विजय बतखल आदि ने आयोजित पत्र परिषद में किया है। विदर्भ स्तरीय दूसरी शेतकरी हक्क परिषद आयोजित केलेली आहे। ही परिषद न्यू इंग्लिश ग्राउंडच्या मैदानावर चांदा क्लब ग्राउंडच्या समोर होत आहे। या परिषदेच्या प्रचारासाठी आणि सगळ्या गोष्टीसाठी आम्ही कार्यकर्ते मागील 15-20 दिवसापासून सातत्याने प्रयत्न करतो आहे। असंख्य कार्यकर्ते या शेतकरी परिषदेच्या यशस्वी आयोजनासाठी झटत आहे, त्यामुळे उद्याच्या शेतकरी हक्क परिषदेला 8 ते 10,000 शेतकरी या परिसरांमधली येतील, ही आमची अपेक्षा आहे। या शेतकरी हक्क परिषदेची जी कार्यवाही आहे, सकाळी 10 वाजता सुरू होईल आणि 10 वाजता पहिलं उद्घाटनाचं सत्र आहे। उद्घाटनाच्या सत्रानंतर या उद्घाटनाच्या सत्रामध्ये साधारणतः सगळे निमंत्रित पाहुणे उपस्थित राहतील, अशी अपेक्षा आहे। 12 वाजता दुसरं सत्र आहे। दुसऱ्या सत्रामध्ये वन्य प्राणी, त्यांच्यामुळे होणारं शेतकऱ्यांचं नुकसान आणि शासनाची भूमिका काय असावी यावर मार्गदर्शन होणार आहे। त्यानंतर दुपारी 1 वाजता पीक विमा आणि शेतकऱ्यांच्या मुलांना रोजगार कसा मिळेल, नोकऱ्या कशा मिळतील, या संदर्भातलं मार्गदर्शन होणार आहे।